सितारा सिंह चौहान जी हर हाथ को काम हर खेत को पानी के संकल्प को जिन्होंने निरंतर अपने मेहनत से आगे बढ़ाया है, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, प्रदेश के खेलकूद युवा कल्याण विभाग के मंत्री और पंचायती राज विभाग के भी राज्य मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, ग्राम विकास विभाग में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग के भी राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज श्री मनोज कुमार सिंह जी, मान्य विधायक श्री पूरण प्रकाश जी, पंचायती प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक श्री रमेश सिंह जी, पंचायत प्रतिनिधि के सम्मेलन में उपस्थित प्रदेश के प्रत्येक जनपद से आए हुए सभी सम्मानित ग्राम प्रधान, पंचायत प्रतिनिधिगण, पंचायत सहायकगण, ग्राम विकास से जुड़े हुए भाइयों बहनों, आप सभी प्रदेश के गांव गांव से यहां पर आए हैं। मैं सबसे पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपके आगमन के लिए आपका हृदय से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। ठीक कहा स्वामी प्रसाद जी ने कि आप भी एक सरकार है। आपके कार्य क्षेत्र में ही कार्य करती है, यानी विकास की थोड़ी का आधार कोई बनता है तो देश के सभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि हमारी ग्राम पंचायत एक ग्राम विकास की थोड़ी बननी चाहिए, उस थोड़ी के आधार आप ही है और इसलिए आज आप जब लखनऊ में आए हैं तो आपसे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम लोगों ने आज ये सम्मेलन यहाँ पर आहूत किया। ग्राम उत्कर्ष समारोह हो सके, आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 2018 में गांव ग्राम पंचायतों में अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित करना प्रारंभ किया था। आज 346 ग्राम पंचायतों से सम्मानित हुई है, जिनमें से 5 ग्राम प्रधानों को मंच पर बुलाकर के भी सम्मान दिया गया और अभी 3 नए कार्यक्रम तो हुए हैं, बाकी कार्यक्रमों की श्रृंखला भी बाद में घोषित होने वाली है, मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन जिनमें 42,478 नए ग्राम सचिवालयों का निर्माण हुआ है, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है, मैं सभी ग्राम प्रधानों से हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन साथ साथ यहाँ पर भाइयों बहनों, प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में भी अब सचिवालय के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, यानी लोकार्पण के साथ ही वह कार्य भी प्रारंभ हुआ। ग्राम पंचायत सहायक की तैनाती हर एक ग्राम पंचायत में की गई है, क्योंकि अब लखनऊ में ही सचिवालय नहीं होगा, हमारे विकास की दूरी ग्राम पंचायत भी सचिवालय होगा, वहां पर ग्राम प्रधान के नेतृत्व में हमारे पंचायत प्रतिनिधि बैठेंगे ही बैठेंगे, लेकिन साथ साथ ग्राम सहायक उनका सहयोग करने के लिए खड़ा होगा। ग्राम पंचायत में एक वीसी सखी भी होगी, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी, गांव के लोगों को अब बैंकों में जाना नहीं पड़ेगा बल्कि बैंक गांव में आकर के ही वीसी सखी के माध्यम से आपकी समस्या का, गांव की समस्या का समाधान करेगी। और भाइयों बहनों, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और गांव में बनने वाले जिन कार्यों के पहले ब्लॉक, तहसील और जिले का चक्कर लगाना पड़ता था, अब ऑनलाइन हर ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम
माध्यम से सुविधा को गांव में ही देने की कार्रवाई ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ही वह प्रारंभ करवाएंगे। यह ग्राम सचिवालय की व्यवस्था अभी तक हम लोग देखते थे कि गांव की कार्य योजना नहीं बन पाती थी, विकास खंड की कार्य योजना नहीं बन पाती थी, हमें इंतजार करना होता था जब आरईएस का इंजीनियर आएगा तब जाके करेगा। इसलिए भी व्यापक संशोधन किए जा रहे हैं किसी भी विभाग के सिविल इंजीनियर से, और अगर विभाग का सिविल इंजीनियर मौजूद नहीं है एक पैनल इंजीनियर से हमारा ग्राम प्रधान अपनी कार्य योजना को आगे आगे बढ़ा सकता है। और भाइयों बहनों, मैंने इसलिए आपकी इस ताकत को पहचाना है, मुझे याद है नया नया चुनाव हुआ था और मैं सहारनपुर गया था। सहारनपुर में जब मैं गया था तो मैं वहां एक गांव में गया था और उस समय हम लोगों ने निगरानी समिति गठित की थी, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान उसका नेतृत्व कर रहा था, आंगनबाड़ी आशा वर्कर ये पंचायत के प्रतिनिधि सभी लोगों के साथ में थे और मैंने उस समय देखा था कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जितना अच्छा कार्य आप लोगों ने उस समय किया था, इस पूरी टीम ने निगरानी समिति के साथ मिलकर किया था, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मैंने देखा था जब मैं सहारनपुर के उस गांव में गया था, महिला ग्राम प्रधान थी और भाइयों बहनों जब मैंने पूछा वहां पर, मैंने कहा आपने गांव में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए क्या चल रहा है, उन्होंने तो कहा कि हमारे गांव में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसको हमने घर के बाहर घर में चूंकि रहने की ज्यादा व्यवस्था नहीं थी इसलिए पंचायत भवन में हमने रखा है। मैंने कहा भोजन कहां से आता है, तो ग्राम प्रधान ने कहा मैं अपने घर से भोजन ला करके उसको खिलाती हूँ, सुबह चाय पानी कराती हूँ, दोपहर में भोजन, रात्रि को भोजन भी करवाती हूँ। भाई बहनों सब कुछ मेरे मन में एक सम्मान का भाव जागृत हुआ कहने के लिए वह ग्राम प्रधान भी अपनी जिम्मेदारी से ऊपर सकती थी, कोरोना का भय उसको भी था, हमारे आंगनबाड़ी को भी है, हमारी आशा कार्यकर्ता की कार्यकर्ती को भी है, हमारे जो एएम तैनात थी उनको भी था, लेकिन इन सब ने स्वयं की जान की परवाह के बगैर एक एक व्यक्ति को जान बचाने के लिए प्राणपण से कार्य किया और प्रधानमंत्री जी की मंशा यही थी, जीवन भी बचाएंगे, जीविका को भी बचाएंगे और कोरोना को भारत से भगाएंगे, आपका यह संकल्प चरितार्थ हुआ। भाइयों बहनों, मुझे आप सबसे अपील करनी है कि हम लोग प्रदेश सरकार से आपके विकास में पैसे की कमी कहीं आने नहीं आने देंगे, विकास कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा प्राप्त होगा और ग्राम प्रधान और पंचायत प्रतिनिधि चाहे वह क्षेत्र पंचायत के हमारे प्रमुख हो, जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, सदस्य हो, विकास कार्य के लिए पर्याप्त पैसा प्राप्त होगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्था को शोषण करने का अधिकार नहीं देंगे और विकास कार्य में नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप अब हमें केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं, स्मार्ट विलेज की तरफ भी जाना है, स्मार्ट गांव बनाने की ओर भी अग्रसर होना है और स्मार्ट गांव बनाने के लिए आज मैं आपका आह्वान कर रहा हूं। भैया बहनों, स्मार्ट गांव की इस परिकल्पना को साकार करिए और पुरस्कार राज्य सरकार आपको इसी प्रकार से और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा करके देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर गांव का विकास हो गया तो समझो उत्तर प्रदेश नंबर एक की लड़ाई देश के अंदर जीत जाएगा। हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष के अंदर हमारी जो टीम मंच पर है, जो हमारे मंत्री है, इन सब ने अपने विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, भारत सरकार के साथ मिलकर के अथक प्रयास किया है। जो उत्तर प्रदेश पहले जहां पर लोग आने से डरते थे, आज किसी को कोई भय नहीं, उत्तर प्रदेश सबके साथ सबको एक साथ स्वागत करने के लिए उतावला है। अब उत्तर प्रदेश में या तो पेशेवर अपराधी डरेगा या फिर कोरोना डरेगा।
उत्तर प्रदेश में आज निवेश हो रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिल रही है। कल ही आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी में भगवान विश्वनाथ के भव्य धाम के लोकार्पण के कार्यक्रम को राष्ट्र को समर्पित किया। आपने देखा होगा इससे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की देश की सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को देश को समर्पित किया। इससे पहले लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। 18 तारीख को मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाले 12 जनपदों से जाने वाली गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, विकास रुकेगा नहीं, तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगा। और ये विकास ही न केवल हम सबके जीवन में बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगा और इस विकास में हम सबको सहभागी बनना, मिलकर के सहयोग करना है, तकनीक को अधिक से अधिक अपनाना है। और तीव्रता के साथ अगर हमारा गांव और हमारी ग्राम पंचायत स्मार्ट गांव की परिकल्पना को साकार करता है तो भाइयों बहनों आप देखना भारत को दुनिया की नंबर एक की ताकत बनने में और उत्तर प्रदेश को देश की नंबर एक की ताकत बनने में कोई देर नहीं लगेगी। और इसके लिए आप सबको प्रयास करना होगा, सबको मिलकर के चलना होगा। गांव में साफ सुथरा माहौल हो, गांव में अच्छी सड़क हो, जल निकासी की व्यवस्था हो, जल जीवन मिशन से जुड़े हुए कार्यक्रमों को हम व्यवस्थित रूप से हर घर नल के रूप में लागू करने का कार्य कर रहे हैं। आधी बीमारी तो गंदगी के कारण होती है, आधी बीमारी 2018 में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी भी गांव में जो सॉलिड वेस्ट होता है, गांव का कूड़ा एक जगह खाद के गड्ढे में निस्तारण करने की व्यवस्था हो, गांव की प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था हो, गांव में भी स्ट्रीट लाइट शहर क्षेत्र की तरह चमकदार दिखाई देना चाहिए। रात्रि में लाइट जले लेकिन दिन में लाइट को बंद करने की व्यवस्था भी हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, गांव के लोग सुबह और शाम भजन सुने और अगर कोई आवश्यक सूचना हो तो ग्राम सचिवालय के माध्यम से एक साथ गांव के लोगों को सूचना दी जा सके, पब्लिक एड्रेस सिस्टम माइक की व्यवस्था गांव में भी लग सके। गांव की अपनी व्यवस्था संचालित होनी चाहिए। कैसे हम बनाएंगे इस पर कार्य योजना बनाना। बहुत सारे ग्राम प्रधान मैंने देखे अच्छे पढ़े लिखे, बहुत सारे लोग के पास अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते थे लेकिन गांव की सेवा के लिए ग्राम प्रधान बने। बहुत सारे लोगों के पास अनुभव है, बहुत सारे लोगों के पास तमाम प्रकार की योग्यता है, इस योग्यता का लाभ भी तो मिलना चाहिए। अगर गांव की सरकार और राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के एक साथ कार्य प्रारंभ कर देगी तो भाइयों बहनों अभी तो डबल इंजन की सरकार के चमत्कार दिख रहे हैं, ये तो फिर गांव की सरकार भी मिल जाएगी तो ट्रिपल इंजन एक साथ मिलकर के देश की नंबर एक ही इकोनॉमी बना देगा, बहुत बड़ी भूमिका आपकी हो सकती है। और इसलिए भाइयों बहनों आपने जो कार्य किया है सचमुच नए नए ग्राम प्रधान के चुनाव में, और मैं मानता था कि ग्राम प्रधान तो अभी पता है उनको क्या अनुभव है कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन जब मैं कोरोना की द्वितीय लहर के दौरान जब पूरा देश और पूरी दुनिया तप रही थी मैं उसी में निकल गया था, लेकिन मैंने देखा था ग्राम प्रधान पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे थे। शपथ में नहीं हुआ था उस समय ग्राम प्रधान होगा, लेकिन तब भी काम किया था लोगों ने। और भाइयों बहनों वह आपकी ताकत दिख रही थी, हमारी ताकत हमारे कार्यों से दिखनी चाहिए, हमारा आंकलन हमारे कार्यों से हो। और अपने कार्यों का उस समय आपने लोहा मनवाया था, मेरी तब से इच्छा थी
कि हम लोग एक साथ मिलकर के इस परिकल्पना को साकार करने के समय प्रयास प्रारंभ कर सके। आज भाइयों बहनों, प्रदेश अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जब लोग कहते थे पंचायत चुनाव नहीं होने हैं, हमारी क्रिटिसाइज हो रही थी, हमने कहा नहीं कराएंगे पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव हम लोगों ने करवा दिया। लोग कहते थे क्यों, क्या जरूरत आ पड़ी थी, हमने कहा यह संवैधानिक व्यवस्था है जी, आप नहीं समझ पाएंगे क्या जरूरत थी। जरूरत है, अगर हमें विकास कराना है तो विकास चुनावा जनप्रतिनिधि कराएगा, चुनावा जनप्रतिनिधि विकास कराएगा, और उस चुने हुए जनप्रतिनिधि को चुन करके आज हम सब यहाँ पर अभिभूत हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब तक 1025 ग्राम पंचायतों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, आज जो यहाँ पर 42,478 ग्राम पंचायत भवन बने हैं, जो ग्राम सचिवालय में बदलने वाले हैं, इनका लोकार्पण हुआ है, और सभी 58,187 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय के कार्य को आगे बढ़ाने की कार्रवाई ग्राम पंचायत सहायक उसमें सहभागी बनेगा, इससे प्रारंभ होने जा रहे हैं। यह कार्य तो यहाँ पर हुआ ही है, लेकिन साथ साथ मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अब तक जून 2020 से अब तक भाइयों बहनों ग्राम पंचायतों का 5,200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं विभिन्न कार्यों में, और इन कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ साथ आने वाले समय में मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस समय ग्राम पंचायतें जो अच्छा काम कर रही है, एक मिशन शक्ति के फेज थर्ड में हर ग्राम पंचायत में पुलिस की बीट अधिकारी वहां पर पीसी सखी और अन्य आंगनबाड़ी आशा वर्कर के साथ मिलकर के महिलाओं की समस्या का समाधान एक ही छत के नीचे करने की तैयारी और जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। ये कार्यक्रम कुशलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, साथ साथ वीसी सखी और सामुदायिक शौचालय के माध्यम से भी हम अपनी ग्राम पंचायत को उत्कृष्टता की नई श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं, और उसी उत्कृष्टता की नई श्रेणी में खड़ा करने की दृष्टि से आज जो कार्यक्रम यहाँ पर बनाए गए हैं, इस दृष्टि से आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि अगली बार जब ग्राम पंचायतों से जुड़े हुए सम्मेलन को यहाँ पर हम आयोजित करेंगे तो तब प्रदेश के अंदर इस बात की गिनती होनी चाहिए कितनी स्मार्ट ग्राम पंचायतें बनी है, और वहां के ग्राम प्रधानों के सम्मान का कार्यक्रम यहाँ मंच से होना चाहिए। कम से कम 75 जनपद है, 75 ऐसी उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों का चयन जो सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित होकर के हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य करें। भाइयों बहनों, मैं आज आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे 11 बजे से ही सूचना आने लग गई थी कि यहां पर भारी संख्या में लोग आ गए, और हमारी उम्मीद थी 1 लाख की, संख्या पहुंच गई 5 लाख की। यह आपकी ताकत है। अक्सर क्या होता है, जब संख्या गिनी जाती है 2 लाख की तो संख्या पहुंचती है 1.5 लाख, लेकिन यहां पर संख्या थी 1 लाख की और संख्या पहुंच गई 5 लाख की। मैं आ रहा था, पूरा भरा पड़ा है, शहीद पर पूरा भरा पड़ा है, जिस ओर से हम चल रहे हैं चारों ओर आप ही की गूंज दिखाई दे रही है। आप सबका मैं आह्वान करूंगा कि आज यहाँ पर बहुत सारी चीजों को हम लोग करने जा रहे हैं। एक परियोजना में ग्राम पंचायतों में प्रति कार्य जो वित्तीय और प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारों में वृद्धि की व्यवस्था है, अब तक हम लोग इस दिशा में जो कार्य करते थे वहाँ अब तक प्रति कार्य 2 लाख की थी, इस वर्तमान सीमा को बढ़ा करके हम लोग 2 लाख से बढ़ा करके 5 लाख करने जा रहे हैं। दूसरा, थोड़ा सुनते जाइए, अभी
दूसरा जिला पंचायतों के लिए भी वर्तमान में 10 लाख की सीमा को बढ़ा करके 25 लाख किया जा रहा है। आपके एस्टिमेट बनाने एमपी कराने का कार्य अपर विकास खंड के नामित अभियंता के अतिरिक्त के द्वारा किया जाता था, लेट होता था, एक महीना दो महीना और कभी कभी बहुत सारी शिकायतें मिलती थी। अब हमने तय किया है इसमें लोक निर्माण विभाग, आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, आरईएस, लघु सिंचाई विभाग, मंडी समिति, जिला पंचायत के अवर अभियंता, जल निगम के अवर अभियंता, सहायक अभियंता से भी आप इस कार्य को करा सकते हैं, वह मान्य होगा। पंचायती राज निदेशालय द्वारा जनपदों के लिए तैयार किए जाने वाले सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा डिग्री होल्डर रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के पैनल द्वारा भी एक निर्धारित फीस पर एस्टिमेट बनाने एमपी बनाने का कार्य अब आप करा सकते हैं। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इस कार्य को और आसान करने और कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने की इस कार्य को हम लोगों ने इस दिशा में आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, भौगोलिक रूप से समीपुर के परस्पर सटी हुई ग्राम पंचायतों में सचिवों की तैनाती की जाएगी और इसके लिए पूरे प्रदेश में 15,000 क्लस्टर बनाए गए हैं। अब इसके लिए ऐसा नहीं होगा कि लोगों को दूर दूर के लिए इंतजार करना पड़ेगा, एक साथ मिलकर के आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे, इस दिशा में प्रयास प्रारंभ होगा। भाइयों बहनों, ग्राम पंचायत के कोष की स्थापना का कार्य सरकार करने जा रही है। पंचायत प्रतिनिधियों के पद पर रहने के दौरान यदि दुखद मृत्यु होती है तो ग्राम प्रधान, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत और अध्यक्ष जिला पंचायत को 10 लाख, सदस्य जिला पंचायत को 5 लाख, सदस्य क्षेत्र पंचायत को 3 लाख और सदस्य ग्राम पंचायत को 2 लाख की राशि मृतक आश्रित के रूप में उनके परिवार के लोगों को प्राप्त होगी। यह नई व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। भाइयों बहनों, मनरेगा में ग्राम पंचायतों द्वारा भुगतान अगले 3 माह के अंदर मनरेगा योजना में मजदूरी व मेटीरियल के भुगतान ग्राम प्रधान के डिजिटल सिग्नेचर से संपादित करने की व्यवस्था अभी हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसमें अभी 2 विकास खंडों को तत्काल हम लोग ले रहे हैं। यह एक बड़ा कार्य ग्राम पंचायतों की दिशा से होने जा रहा है और मुझे लगता है कि यह अमूलचूल परिवर्तन लेके आएगा आपके गांव को। इससे जिला योजना समिति में भागीदारी, जिला योजना समिति में 2-2 ग्राम प्रधान चक्रानुक्रम में 1-1 वर्ष के लिए जिलाधिकारी के द्वारा वहां पर नामित करने की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं कि जिससे आपके यहाँ की समस्या का समाधान आप लोग कर पाएंगे और जिला प्रशासन से संवाद भी प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 3 माह में एक बार ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उनके सुझाव और उनके निस्तारण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य होगा। भाइयों बहनों, अब ये तो अब तक के विकास कार्यों का था, अब आप सुनना चाहते होंगे अपने व्यक्तिगत के लिए। व्यक्तिगत पहले हम लोग आते हैं सदस्य ग्राम पंचायत का। हाँ, ग्राम पंचायत के सदस्य को अब तक कोई मानते नहीं देता था, अब इसमें 100 रुपए प्रति बैठक का प्रावधान किया जा रहा है। जिस बैठक को आप कराएंगे उसमें ग्राम पंचायत के सदस्य को 100 रुपया मिला करेगा और वर्ष में कम से कम 12 बैठक करवानी पड़ेगी। एक कार्य उन लोगों की दृष्टि होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य 500 रुपए प्रति बैठक को बढ़ा करके 1,000 रुपए प्रति बैठक किया जा रहा है और साल में अधिकतम 6 बैठकें क्षेत्र पंचायत के लिए होंगी।
जिला पंचायत सदस्य का 1,000 रुपए प्रति बैठक से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति बैठक साल में अधिकतम 6 बैठकें करने की व्यवस्था की जा रही थी। अब अध्यक्ष जिला पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान, इन तीनों के भी मानदेय में वृद्धि की जा रही है। ग्राम प्रधान का 3,500 से बढ़ा करके 5,000 रुपए प्रति माह करने की व्यवस्था प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। पंचायत का 9,800 से बढ़ा करके 11,300 रुपए की जा रही है और अध्यक्ष जिला पंचायत का 14,000 से बढ़ा करके 15,500 रुपया किया जा रहा है मानदेय। भाइयों बहनों, मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अपने कार्यों के माध्यम से अपने ग्राम पंचायतों को स्मार्ट ग्राम बनाने के क्रम में आप सभी योगदान देंगे, इसके लिए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। एक बार फिर से कोरोना कालखंड में आप बताएं कितने लोगों ने वैक्सीन दिया है। एक अपील मेरी तरफ से आप सबसे, प्रधान